रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेल्ट एंड रोड फोरम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने चीन पहुंचे। चीन की राजधानी बीजिंग में पुतिन का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इतना दुर्लभ है जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा, और ये वीडियो पुतिन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद का है, जिसमें उनके साथ परमाणु सूटकेस नजर आ रहा है। दरअसल इस वीडियो में पुतिन को चारों तरफ से रूस के सुरक्षा अधिकारियों ने घेर रखा है, और इनमें से दो रूसी नौसेना के अधिकारी हैं जिनके हाथ में परमाणु सूटकेस है। पारंपरिक रूप से रूस का परमाणु सूटकेस नौसेना के अधिकारियों के हाथों में होता है, जिसे शेगेट के नाम से जाना जाता है, और ये सूटकेस हमेशा राष्ट्रपति पुतिन के साथ रहता है, लेकिन कैमरे में इसकी तस्वीरें दुर्लभ ही कैद हो पाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी एक ऐसा ही डिवाइस होता है जिसे परमाणु फुटबॉल कहा जाता है, जिसमें कोड होते हैं और इनका इस्तेमाल परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने के आदेश को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में इस कोड का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि पुतिन के परमाणु सूटकेस में एक सुरक्षित संचार डिवाइस होता है, जिससे राष्ट्रपति सीधे टॉप सैन्य अधिकारियों से बात कर सकते हैं, और ये बेहद ही सीक्रेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के माध्यम से रॉकेट फोर्स से जोड़ता है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री के पास भी एक ऐसा परमाणु सूटकेस है। 2019 में भी एक ऐसा ही परमाणु सूटकेस देखा गया था, जिसमें कई बटन थे। इसके कमांड सेक्शन में दो बटन थे, एक सफेद मतलब लॉन्च और एक लाल मतलब लॉन्च को रोकने का बटन। आपको बता दें कि पुतिन का परमाणु सूटकेस के साथ नजर आना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये ऐसे समय में हुआ है जब रूस की संसद ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से निकलने की दिशा में पहला कदम उठाया है, और रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि रूस इस समझौते से पूरी तरह से भी हट सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन का ये देश से बाहर दूसरा विदेश दौरा है।